पहले स्व का शुद्धिकरण करते हैं और तभी हमारे वाइब्रेशन से वायुमंडल को वाइब्रेशन को भी हम शुद्ध करने लगते हैं तो मनसा वाचा कर्मणा उसमें जो भी बुराई है तन मन धन में जो भी बुराई समाई हुई है उसको करो स्वाहा और जब उसको स्वाहा कर देते हैं तो स्वयं का शुद्धिकरण और हमारे साथ साथ सारे संसार के अंदर भी वाइब्रेशन का शुद्धिकरण होने लगता है अर्थात पतित से पावन बनने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है फिर जैसे बाबा कहते हैं कि जैसे कोई आर्मी होती है कोई सैनिक होता है और वो बॉर्डर्स की सुरक्षा करता है और सुरक्षा करने से पहले बॉर्डर की सुरक्षा के साथ साथ पहले वो स्वयं की रक्षा करता है तब वो बॉर्डर्स की रक्षा कर सकता है अगर केयरलेसनेस आ जाए और स्वयं की ही रक्षा न कर सके खुद ही शिकार बन जाए तो बॉर्डर्स की क्या रक्षा करेगा ठीक इसी तरह बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं यज्ञ रक्षक बनने से पहले हमें स्व रक्षक बनना आवश्यक है तो जिस तरह से एक बॉर्डर की सिक्योरिटी करने वाला सैनिक स्वयं रक्षा के लिए भी अपने पास शस्त्र रखता है ताकि वो स्वयं की रक्षा कर सके दूसरा वो कभी भी लॉ अपने हाथ में नहीं उठाता और तीसरा वो डिसिप्लिन में चलता है तब वो बॉर्डर्स की रक्षा कर सकता है ठीक इसी तरह यज्ञ की रक्षा करने के लिए भी पहले हमें स्वयं की रक्षा करनी है और स्वयं की रक्षा करने के लिए बाबा ने भी हमें अनेक प्रकार के शस्त्र शक्तियों के रूप में प्रदान किए हैं और साथ ही साथ ये भी कहा कि बच्चे तुम्हें डिसिप्लिन में चलना है और लॉ कभी भी अपने हाथ में नहीं उठाना है तभी तुम सही स्वरूप से यज्ञ सेवक यज्ञ रक्षक बन सकते हैं यज्ञ सेवक भी और यज्ञ रक्षक भी बन सकते हैं अब स्वयं की रक्षा करने के लिए कौन सी बातों की आवश्यकता है तो स्वयं की रक्षा करने के लिए पांच बातें जरूरी है या दूसरे शब्द में मैं कहूं पांच स की आवश्यकता है पांच पहला है स्वमान में स्थित रहना और सर्व को सम्मान देना ये पहला स जिससे हम स्वयं की रक्षा कर सके स्वमान में रहना है और सर्व को सम्मान देना है दूसरा स है जो बाबा ने कहा स्वचिंतन करना है पर चिंतन और परदर्शन नहीं करना है तो यह स्वचिंतन निरंतर हमारा चलता रहे क्योंकि उसी से हमारी सुरक्षा है जितना व्यक्ति परदर्शन और पर चिंतन में जाता है उतना उसकी अपनी सुरक्षा नहीं होती है तीसरा स है निरंतर स्वाध्याय करना स्व अध्याय यानी जैसे बाबा हम बच्चों को कहते बच्चे मुरली स्वाध्याय है हमारा तो रोज का स्वाध्याय करना आवश्यक है क्योंकि रोज की जब मुरली हम सुन लेते हैं तो बुद्धि को जैसे खुराक मिल जाती है और जैसे ही बुद्धि को यह खुराक मिली तो हमारी बुद्धि और मन दोनों सशक्त हो जाता है सेल्फ एम्पावर्ड हो जाता है और उसी सेल्फ एम्पावरमेंट से हम अपनी स्वयं की रक्षा कर सकते हैं mm. चौथा स जिसको कहा जाए संयम और नियम में नित्य चलना संयम नियम ये चौथा सा है जो बाबा ने हम बच्चों को डिसिप्लिन दिया है या जिसको कहे रूहानी डिसिप्लिन स्पिरिचुअल डिसिप्लिन उन स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को निरंतर पालन करना क्योंकि उसी से हमारी स्वयं की रक्षा होती है और पांचवा स्व है पांचवा स्व है संतुलन से चलना बैलेंस योग हमारे जीवन के अंदर बैलेंस ले आता है व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस चाहिए आध्यात्मिकता और भौतिकता का बैलेंस चाहिए कर्म और योग का बैलेंस चाहिए तो ये बैलेंस ले आना बहुत जरूरी है जब तक समतुलन नहीं है असंतुलित जीवन है तो सफलता नहीं है समतुलन से ही हमारे जीवन के अंदर सक्सेस सफलता सहज प्राप्त होती है।